तो यहाँ पे देखिए चावल फ्राई हो गए हैं और बहुत ही नमस्कार दोस्तों, नंदिनी ये नाश्ता ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7 और आस्था लगी हुई है देखिए बर्तन धोने में। और अभी अभी गाय की दोनी जो है कि हमने की थी, लेकिन ये तो अभी इस समय दूध दे ही नहीं है रही हैं और ना विशेष खाना भी नहीं खा रही हैं। देखो देख कैसे रही हैं, जैसे इन्हीं की बात चल रही हो। पास जाओगे तो इससे जल्दी नाराज होती हैं। क्या हो गया? तो अभी तो इनकी तबीयत गड़बड़ रह रही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आस्था, क्या हो रहा है बेटा सुबह से? ये देखिए दोस्तों इनके धो रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये लोग तो लग रखे हैं, सब लोग अपने अपने काम में और हमें भी अपना काम करना है। लेकिन आज का मौसम देखा जाए सुबह से हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा विशेष नहीं, मतलब एक फुनफुना सा पानी हल्का सा बरस चुका है हमारे यहाँ, जो कि जिस पे ये चारा वगैरह है सारा गीला हो गया है। और ये पन्नी भी देखिए ऊपर पानी है इसके हल्का हल्का, तो ये सब गीला हो चुका है, हल्का हल्का पानी गिरा है। तो चलिए दोस्तों देखिए ये कमरा उठाने का नंबर यहाँ पे अभी हम लोगों ने लगाया था, लेकिन मैं अभी थोड़ा मेरे यहाँ दांत की तकलीफ रही है तो उस कारण से ये काम नहीं कर पाए हैं। तो लगते हैं आज से और इस काम को बहुत जल्दी फाइनल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ब्लॉग पे जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी नए तरीके से करी। आस्था के पापा ने करी है ब्लॉग की शुरुआत सुबह, और आज आस्था के पापा बहुत जल्दी जग गए थे, तो उन्होंने यहाँ इस वाले कमरे की झाड़ू और मतलब बाहर की झाड़ू लगा ली थी, तो उन्होंने आज मतलब झाड़ू लगा दी तो थोड़ा सा काम वो हो गया, आसान हो गया मेरा। तो अब यहाँ पे मैं बना के ले आई हूँ चाय, हाथ मुँह धो लिया है और आस्था भी आ गई है हाथ मुंह वगैरह धो के। अब हम सभी तीनों जने पियेंगे चाय। और यहाँ पे दोस्तों नहाना धोना होने के बाद अब बनाने लगी हूँ रोटी, रोटी नहीं पराठे बना रही हूँ, पराठे और चटनी। आस्था के पापा नाश्ता कर लेंगे सुबह से क्योंकि उठ के काम में लगे हुए हैं, तो पराठा और चटनी बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है तो वही बना दूँगी। और आस्था की आज छुट्टी थी दोस्तों, आज हमारे यहाँ नागपंचमी है, थी यानी अब तो शाम हो गया, नागपंचमी थी। तो आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ तो मेला जाया जाता है और भी बहुत, और बिड़ई वगैरह बनाते हैं, लेकिन बिड़ई मेरे घर में कोई खाता ही नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया। फिर इन दिनों अकेले हो जाने के कारण भी ये सभी चीज़ें बनाने का मन नहीं करता है, और अगर ज़्यादा लोग हों और सब लोग खाते हों तो मिल बाँट के बनाने में भी अच्छा लगता है। तो बस नागपंचमी है आज, और आस्था गई है अभी कुवारी खाने, मतलब न्योता था उसका तो वो वहाँ पे गई है। यहाँ पे दोस्तों देखिए नाश्ता मैंने बना दिया है आस्था के पापा के लिए, टमाटर की चटनी है और पराठे हैं, और यहाँ पे अभी और पराठे सेक रही हूँ मैं अभी, और वो लगे हैं काम करने। ये देखिए यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और बाहर चलते हैं तो देखिए काम भी चल रहा है बाहर, तो आस्था के पापा भी लगे हुए हैं। देखिए मसाला भी इन्होंने ज़्यादा बना लिया था तो इतनी दीवार उठ गई है, मतलब कि बहुत कम थी दीवार लेकिन इतनी दीवार इन्होंने अभी उठा ली है सुबह से। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तो मैंने कहा कि पहले आप खाना खा लो, थोड़ा नाश्ता कर लो, उसके बाद आप लगना, क्योंकि भूखे पेट काम उतना हो नहीं पाता है। हाँ खा लेते हैं गरम गरम, बस मसाला भर फैला दो, थोड़ा सा डाल दो पानी, क्योंकि अगर भाई चांस बारिश भी आ जाती है तो मसाला फिर और ज़्यादा ना गीला हो। तो दोस्तों हमारे घर का काम तो चालू है, ये आपको इस एंगल से दिखाते हैं। यहाँ है हमारा गेट। तो आस्था के पापा खाना खा पी के लगे थे काम में, उसके बाद मैं भी आराम करने लगी थी
और यहाँ पे चटाई वटाई बिछा के, अब यहाँ पे लाइट चली गई है तो सफाई कर देते हैं यहाँ पे पूरी जगह की। और यहीं पे ज़्यादा रहना होता है तो इसी के कारण यहाँ पे बार बार कचरा हो जाता है। तो कोई नहीं, अब सफाई हो जा रही है यहाँ पे, साफ़ हो जाएगा तो पूरी दोपहर तक आराम से यहाँ पे लेट सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के कल सारे कमेंट मैंने पढ़े और आप एक कमेंट तो ये भी आया था कि आपको बेटा ही होगा, तो अभी तक किसी ने ये कहा ही नहीं कि आपकी दोबारा से लड़की होगी। और हर कोई मतलब यही ही कहता है कि लड़का होगा। तो मैं बताऊं आपको सच्ची बात, तो मैं आस्था ऑपरेशन से हुई है और एक का और चांस होता है कि ऑपरेशन से दोबारा एक और बेबी हो सकता है कर दें दो। तो बस इस कारण से एक और हमने किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे कोई भी वो नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि आस्था कहती है कि उसका एक भाई होना चाहिए उसे राखी, ताकि बांधने के लिए, क्योंकि वो अब बहुत बड़ी हो गई है और इतनी चीज़ों के लिए तो वो समझदार है कि हर साल रक्षाबंधन आता है, लेकिन मतलब उसका अपना भाई नहीं है राखी बांधने के लिए। बस इतनी सी बात है। और फिर मेरा ऐसा कुछ भी सोच नहीं है, लड़का या लड़की, दो अगर दो लड़की भी होती हैं, एक और आस्था एक और लड़की ही भी हो जाती तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फैमिली है ना, ये सभी लोग कहते हैं नहीं, लड़की तो है हमारे पास लेकिन एक लड़का और हो जाना चाहिए, सहारा होता ऐसा वैसा। और दोस्तों, हम दोनों का डर तो बस इतना था कि अगर आस्था ससुराल चली जाती है उसके बाद हम दोनों अकेले कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। तो बस इस कारण से भी हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, कर लेते हैं एक और लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन ये तो है लक्ष्य रहेगा एक। तो दोस्तों, यही बिल्कुल दिल की बात है हमारी, मैंने आपके सामने शेयर करी। और यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा की देखिए दीवार पूरी खड़ी हो गई है और धीरे धीरे करते करते आस्था के पापा भी मतलब बिल्कुल ट्रेंड होते जा रहे हैं और दीवार बिल्कुल सीधी गई है, कहीं भी टेढ़ी नहीं है और बिल्कुल बराबरी का है। लेकिन ये है कि ये काम खुद का ही है, चाहे मिस्त्री का काम चाहे मजदूरी का काम अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा खुद का काम है। हम अपना अपना निजी घर बना रहे हैं, किसी दूसरे का घर नहीं बना रहे कि हम इसमें मजदूर हो गए या फिर कुछ भी। अपना काम है, अपना काम चाहे जो भी हो करने में कोई शर्म नहीं है। ये दीवार पूरी आज की उठ गई है, मतलब आज का जितना काम था वो हो चुका है और अब वो काम बंद करेंगे क्योंकि मसाला जितना बनाया था वो पूरा ही लगा दिया है इन्होंने। और ये जो दीवार है, ये आपको सामने जो दिख रही है, इसकी थोड़ी सी दो ईंट और हाइट उठाएंगे, है ना, उसकी भी सामने वाली दीवार की भी हाइट उठाएंगे ताकि थोड़ा सा और ऊंचा हो जाए। और यहाँ से ये जो है ये सारा भी बंद करेंगे, बिल्कुल बंद कमरे जैसे। हाँ, इसके तो पांच ही रखते हो रहा नहीं है, यहाँ तक आ जाएगी बस, तो है। हाँ, और चला दूंगी। हाँ देखिए दोस्तों, फाइनली ये पूरा यहाँ से ये दीवार से बस और पांच रद्दे करने हैं, ये फाइनल हो जाएगी। उसके बाद इस साइड की दीवार उठाएंगे इस तरफ की। तो दोस्तों, एकदम ये पूरा कमरा बहुत बढ़िया तरह से मतलब लीप पोत के इसको बढ़िया तरह से बना के आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा ये कमरा जब पूरा बन जाएगा।
और फिर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कमरा हो जाएगा जिसमें सामान वामान नहीं रखेंगे कुछ। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे बज रहे हैं 4 और आस्था के पापा को, आस्था को भी भूख लग रही थी तो मुझे भी चावल खाने का मन था तो आज मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। और मैं बहुत दिनों बाद चावल फ्राई कर रही हूँ, चावल बना लिए हैं मैंने और अब जाके मैं छौंका लगा रही हूँ। तो जीरा लहसुन ये मैंने डाल दिया है पहले छौके में और बाकी सारा सामान देखिए मैंने काट के रख रखा है। तो ये सारे मतलब फ्राई कर दूंगी और इसमें डाल देंगे हम चावल बने हुए। दोस्तों चावलों में अगर मूंगफली के दाने डाले जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पे देखिए अम्मा ले आई थी भसीड़े, तो इन भसीड़ों को मैं उबाल लेती हूँ। अभी मैं उबाल ले रही हूँ, मैंने कहा मैं बना रही हूँ खाना मतलब चावल फ्राई कर रही हूँ तो इसे भी जब तक उबालने के लिए रख देते हैं। और पानी देखिए मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो जल्दी उबल जाएगा ये। ककड़ी कमल के फूल का जो जड़ होता है वो है और उबाल देते हैं इसे उबाल के सब्जी। यहाँ पे अभी मैं चावल फ्राई करने में लगी हुई हूँ दोपहर में, सबको भूख लग गई। तो यहाँ पे देखिए चावल फ्राई हो गए हैं और बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं, आस्था खाने में लगी हुई है। खा लो आप भी, बताओ टेस्ट करके कैसा बना। तो दोस्तों ये उबल गए हैं हमारे भसीड़े, हम तो भसीड़े कहते हैं, बाकी जगह कमल ककड़ी बोली जाती है और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो ये देखिए ये है दोस्तों, मैंने उबाल दिया है तो अच्छे से पक गए हैं। और उस पकने के बाद देखिए पक गए हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे भुन रहा है मसाला, तो बस सूखे सूखे मसाले में ये बनेगा, पानी नहीं डलेगा ताकि पानी मतलब गीला सब्जी नहीं बनता है, सूखा सूखा बनाया जाएगा। तो बस इसे फ्राई होने देते हैं, मसाला भुन जाए। तो दोस्तों ये देखिए सब्जी पूरी बन चुकी है, सूखी सूखी सी, ऐसी ही बनती है ये सब्जी सूखी सी। तो दोस्तों हो गई है शाम और कमल ककड़ी जो है अम्मा लेके आई थी, काट काट वाट के सब करके लेके आई थी। तो अम्मा सुबह ही दे गई थी कि शाम टाइम बना लेना, तो बना दिया था मैंने। और अभी वो आई थी धोनी करने के लिए, तो मतलब मैंने पहले ही बना के रख लिया था तो अभी उन्हें दे दिया, भिजवा दिया, इसलिए थोड़ा ना ज़्यादा मात्रा में बनाई है। वैसे आस्था के पापा को ये सब चीज़ें थोड़ी कम पसंद आती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने वाले हैं, आप सभी को ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।